तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड प्लान में 20 से 25 फीसदी तक का बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है और वे भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सर्विस की लॉन्चिंग की मांग कर रहे हैं। BSNL के देश के कुछ सर्कल्स में जैसे कि चेन्नई, केरला में BSNL की 4G सर्विस चालू है और खबर है कि अगले साल सितंबर तक पूरे देश में BSNL 4G लॉन्च हो जाएगा। BSNL ने पिछले सप्ताह आधिकारिक तौर पर कहा था कि BSNL 4G सर्विस सितंबर 2022 तक पूरे देश में लॉन्च कर दी जाएगी। अपनी 4G सर्विस से BSNL को करीब 900 करोड़ रुपए तक के मुनाफे की उम्मीद है। अब BSNL 4G के सभी प्लान्स लीक हो गए हैं और BSNL के 4G प्लान्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है BSNL का जो सबसे सस्ता प्लान होगा वो होगा 16 रुपए का, जिसमें 2GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैधता होगी एक दिन की। दूसरा प्लान रहेगा 56 रुपए का, जिसमें आपको 10GB डेटा मिलेगा और इस प्लान की वैधता होगी 10 दिनों की। तीसरा प्लान होगा 97 रुपए का, जिसमें आपको 2GB डेटा पर डे मिलेगा 18 दिन की वैधता के साथ। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल की फैसिलिटी भी मिलेगी। अगला प्लान जो आता है वो है डेटा सुनामी 98। इस प्लान में ग्राहकों को हर रोज़ 2GB डेटा मिलेगा। इसमें इरोज नाव की फ्री सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी भी मिलेगी। BSNL की इस प्लान की वैधता होगी 22 दिनों की। इसके बाद आता है 187 रुपये का प्लान, जिसमें रोज़ 2GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल करने की फैसिलिटी भी मिलेगी और रोज़ आपको 100 SMS भी मिलेंगे। इस प्लान की वैधता होगी 28 दिनों की। अगला प्लान आता है 151 रुपये का। इस प्लान की वैधता होगी 28 दिनों की। इसमें कुल 40GB डेटा मिलेगा। इसके साथ ही कॉलिंग, मैसेजिंग की जैसी सुविधाएं भी इसमें आपको मिलेंगी। इसमें आपको जिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा। अगला प्लान आता है 198 रुपये का, जिसकी वैधता है 50 दिनों की। इसमें आपको रोज़ 2GB डेटा मिलेगा, यानी कि कुल 100GB डेटा इसमें मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि इसमें आपको कोई भी कॉलिंग और मैसेज की फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगला प्लान आता है 251 रुपये का। इस प्लान की वैधता होगी 30 दिनों की और इसमें आपको कुल 70GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी आपको कॉलिंग और SMS की फैसिलिटी नहीं मिलती है।